केवल तेरे साथ बैठू प्रभु तुझसे बातें करूं। उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय उसका 12 आयत। अब्राहम कनान देश में रहा परंतु लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम कुकर्म करने वाले लोगों का जगह था परंतु लूत का जो सदोम में रहना एक दिन में नहीं हुआ। धीरे धीरे अपने तंबू को सदोम के तरफ वो बढ़ाकर लेके गया। एक व्यक्ति गलत जगह पर पहुंचना एक दिन में नहीं होता है, वो एक प्रक्रिया है। धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ते 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 उस बुराई तक पहुंच जाता है। प्रभु के एक भक्त के जीवन में पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है, एक एक कदम जब उठाता है अगर वो गलत है उसके बारे में पाप का बोध देने के लिए वो हमारे जीवन के अंदर कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा की आवाज को अगर हमें सुनना है, आवाज की तरफ एक सेंसिटिव कान हमें होना भी जरूरी है। वो हमारा मददगार है। जब अपने आप में उस काम के लिए हम निर्बल लगता है वो हमारा सहायता करेगा। जब तक हम तंबू में रहता है तब तक वापस आना मोड़कर आना आसान है, परंतु सदोम में एक बार जाकर रहने लग गया, पक्का हो गया, फिर मुड़कर आना बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन में हुए भूल चुकों को हम प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तू ये जानता है। प्रभु गलत रास्ते पर कई बार हमारा कदम चले जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आप क्रिया करना। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।